मोदी का जिस तरह से स्वागत किया गया वह ऐतिहासिक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में अपने संबोधन में भारत में भाषा विवाद को सुलगाने की कोशिशों पर भी करारा प्रहार किया। पीएम मोदी ने इस विवाद पर सीधे तौर पर बिना कुछ कहे भी इस विवाद को हवा दे रहे लोगों को संदेश दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत भिन्न भाषाओं, भिन्न संस्कृति, भिन्न खान पान के साथ विविधताओं से भरा पूरा देश है और यही इसकी अनूठी पहचान है और ताकत भी है। इस तरह से अमेरिका की धरती से पीएम मोदी ने भारत को ऐसा संदेश दिया है। भाषा विवाद को लेकर ये संदेश पीएम मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50,000 अमेरिकी भारतीयों को संबोधित कर रहे थे और संबोधित करते हुए हाउडी मोदी के जवाब में कहा कि भारत में सब कुछ ठीक है। दरअसल हाउडी मोदी, हाउ डू यू डू, मोदी वाक्य का संक्षिप्त रूप है। इसका मतलब होता है मोदी आप कैसे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस सवाल के जवाब में कहा कि भारत में सब ठीक है और पीएम मोदी ने इस जवाब को कई भाषाओं में व्यक्त करने की कोशिश की, कई भाषाओं में इसका जवाब दिया। भारत में भाषाओं की विविधता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा सब चंगा सी, मजा माछे, लाम सौकियाम, सब खूब भालो, सब उभाला छे। इसके बाद पीएम ने कहा कि मेरे अमेरिकी मित्र इससे आश्चर्यचकित है कि मैंने ये क्या कह दिया। प्रेसिडेंट ट्रंप और मेरे अमेरिकी मित्रों, मैंने भारतीय भाषाओं में केवल ये कहा है कि सब कुछ ठीक है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है और हर भाषा का अपना महत्व होता है, परंतु पूरे देश की एक भाषा होना अत्यंत आवश्यक है जो विश्व में भारत की पहचान बने। आज देश को एकता की डोर में बांधने का काम अगर कोई एक भाषा कर सकती है तो वो सर्वाधिक बोले जाने वाली हिंदी भाषा ही है। अमित शाह के इस बयान का तमिलनाडु में व्यापक विरोध हुआ था, तो वहीं डीएमके अध्यक्ष स्टालिन, एक्टर कमल हसन, रजनीकांत ने गृह मंत्री के इस बयान का विरोध किया था और कहा था कि वे अपनी मातृभाषा से इतर हिंदी थोपने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका की धरती से इस विवाद को खत्म करने की कोशिश की और साफ कहा कि भाषाई विविधता भारत की शक्ति है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में सदियों से सैकड़ों भाषाएं, सैकड़ों बोलियां सहअस्तित्व की भावना से आगे बढ़ रही हैं। पीएम ने संदेश दिया कि भारत में भाषाई श्रेष्ठता का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि अलग अलग पंथ, दर्जनों संप्रदाय, ऋतु चक्र इस धरती को अद्भुत बनाते हैं। मोदी ने कहा कि विविधता में एकता हमारी धरोहर है, भारत की विविधता हमारी मजबूत लोकतंत्र का आधार है। उन्होंने कहा कि भारतवासी जहाँ जहाँ जाते हैं विविधता और लोकतंत्र के संस्कार साथ साथ लेकर चले जाते हैं। पीएम ने कहा कि हमारा जीवंत लोकतंत्र हमारा आधार है और यही हमारी प्रेरणा है। इस तरह से पीएम मोदी ने अमेरिका की धरती से देशवासियों को भाषा को लेकर संदेश दिया। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।